चलिए हम लोग कल बनाने के लिए भी कुछ मिला था बनाए थे उसको कितने लोग बना करके आए हैं सारा बन गया था कि फिर से बताना पड़ेगा उसको बताना पड़ेगा इसी में था ना पार्ट वन थार है सर जो क्वेश्चन पीछे रहेगा ना उसको पहले सेट कर दीजिए छोटा हुआ रहेगा जी सो रहे हैं पहले जो छूटा हुआ क्वेश्चन रहेगा ना उसको पहले सेट कर दीजिएगा उसके बाद इसको रखिएगा टाइम एंड क्या था ऐसा करते तो उसको हम लोग लास्ट में बनाने तो कोई दिक्कत है? है जैसे अभी क्या है टाइम एंड डिस्टेंस है ठीक ना क्या पाइप एंड टैंक से जो भी था लगभग जितना टाइप था मैंने इस लेवल तक के लेकर के उतना तक खत्म है ठीक है टाइप हाँ? उसमें दो ही नहीं है टाइप उसमें सिर्फ दो ही लिखाया गया है लिखा हुआ नहीं था तो उसमें कितना क्वेश्चन था लगभग बीस से बाईस क्वेश्चन था ठीक है तो देखिए जो भी उसका थ्योरी जो काम करता है टाइम एंड वर्क पे ही काम करता है टाइम एंड वर्क जिनको ठीक ठाक रहेगा उनको ही सारा चीज रिलेटेड वही रहेगा ठीक है तो इसलिए हम सोचे कि उसका बीस बाई, से बाईस क्वेश्चन था सारा का सारा पॉइंट्स उसमें आ गया था ठीक है तो फिर हम सोचे कि आज आगे चलते हैं ठीक है तो आज हम लोग क्या रखते है? हैं टाइम एंड डिस्टेंस रखते हैं ठीक है अब देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में हम पहले क्या कर लेते हैं सारा का सारा थ्योरी पढ़ लेते हैं जितना भर मैक्सिमम मोटा मोटी होगा वो थ्योरी पढ़ लेते हैं ठीक है अब देखिएगा एक होता है इसमें चाल होता है चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय सभी लोग इसको पढ़े होंगे ठीक है समय यहां तक आप देखिएगा अगर कोई चाल पूछेगा तो चाल हम लोग क्या बोलते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है चाल कहा जाता है हालांकि इस परिभाषा की तो कोई जरूरत है नहीं ठीक है जैसे मान लेते हैं कि टी समय में कोई डी दूरी तय करता है करता है ठीक है हमको क्या बोला गया एक कांक समय में होना चाहिए तो एकांक एक का मतलब एक होगा इसको क्या लिखेंगे डी बटा क्या हो जाएगा टी एकांक एक समय में जितना जो तय करेगा दूरी उसे को क्या कहेंगे हम लोग चाल कहते हैं तो यही हमारा क्या बन जाता है स्पीड बन जाता है डी बटा टी बन गया ठीक है यही हो गया चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा क्या हो जाएगा समय हो जाएगा यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत अगर इसी को हमको दूरी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे चाल गुना समय कर लेंगे तो दूरी बराबर क्या निकल जाएगा चाल गुना समय और अगर यही समय बराबर अगर पूछे तो क्या लिखेंगे दूरी बटा चाल हो जाएगा यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना किन्हीं को होना भी नहीं चाहिए ठीक है जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं ठीक है सिलेबस लिख वो आप क्लास छोड़ दिए होंगे चलिए हो गया मैथ का डर बहुत ज्यादा है ना वो तो दिख भी रहा है चलिए देखिएगा इसको आगे आप जैसे मान लेते हैं कि अगर रहे चाल हमको दिया हुआ है अस्सी किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है प्रति घंटा मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक घंटा में अस्सी किलोमीटर जाएगा और अगर हमको टाइम दिया हुआ है पांच आवर तो हमको दूरी कितना होगा चार गुना समय करेंगे नहीं अस्सी गुना कितना हो जाएगा पांच कितना होगा चार सौ किलोमीटर ठीक है लेकिन अगर इसी को कहता कि हमको तीन घंटा में तय करना है चाहे दो घंटा में तय करना है तय करना है तो चाल कितना होता क्योंकि दूरी तो हमको देखिए यही दूरी कितना है 400 किलोमीटर आ गया आ इसी को हमको घंटा में तय करना है ठीक है कितना होगा? 400 बटा कितना लिखेंगे? दो यानी कितना होगा 200 किलोमीटर प्रति घंटा यानी पहले से कितना बढ़ गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ चुका है ठीक है यहां तक इसी को देखिए इसमें अगर चाल बराबर अगर दिया हुआ है दूरी बटा समय तो इसमें कितना कंपोनेंट है कितना कितना फैक्टर इसमें है तीन पॉइंट्स है चाल है दूरी है समय है इसमें कभी भी कुछ भी कहेगा तो इसमें दो पॉइंट्स आपको देगा तीसरा पूछेगा या तो आपको चाल दे दे समय दे दे तो दूरी पूछेगा अगर दूरी और समय दे देगा दे तो चाल पूछेगा अगर दूरी और चाल दे देगा दे तो क्या पूछेगा समय पूछेगा ठीक है तो अगर तीन पॉइंट है तो उसमें दो पॉइंट आपको देगा तभी निकलेगा ठीक है न नहीं तो और कोई विशेष कंडीशन वो देगा क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत अब चलिए देखिएगा आगे ठीक है उतारिएगा इसको क्या उतारने की जरूरत है नहीं अब देखिएगा कोई भी चीज अगर किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चाल हमको दिया हुआ है इसको कहेगा कि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है ठीक है समझ रहे इसको क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है यहाँ पे ठीक है किलोमीटर प्रति अगर आवर दिया किलोमीटर में कितना मीटर होता है एक हजार मीटर ठीक है मीटर में हो गया और हमको एक घंटा में कितना सेकंड होगा छत्तीस हो ठीक है तो ये लिखेंगे छत्तीस सौ सेकेंड क्लियर है इस सेकंड में आ जाए दो सुना से दो सोना यहाँ पे कट जाएगा ठीक है क्या कटेगा ये पांच कटेगा ये कितना होगा अठारह ठीक है तब मतलब कि क्या होगा इसको हमको कितना करना पड़ेगा पांच बटा अठारह घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो उसमें हम क्या करेंगे पांच बटे अठारह से गुना करेंगे पांच बटे अठारह से ठीक है और अगर हमको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर से प्रति घंटा में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे अठारह बटे पांच से ठीक है अब कंफ्यूजन क्या होगा कि पांच बटे अठारह से करें कि अठारह बटे पांच से करें? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग एक पॉइंट ध्यान में रखते हैं ठीक है अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा बड़ा है कि मीटर प्रति सेकंड बड़ा है किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा बड़ा अब बड़ा से हमको छोटा है एक चौदह दिमाग में क्या रखना है पांच बटे अठारह और अठारह बटे पांच ये दोनों में छोटा कौन है पांच बटे अठारह की अठारह बटे पांच अठारह बटे पांच छोटा है पांच बटे अठारह क्या है बड़ा है ठीक छोटा है चलिए पांच बटे अठारह क्या हो गया छोटा है अब देखिए बड़ा से हमको क्या चीज में कन्वर्ट करना है छोटा में छोटा से गुना करेंगे ठीक है और अगर छोटा से करना है हमको बड़ा यानी मीटर प्रति सेकंड से बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में तो हम बड़ा की ओर जा रहे हैं तो हम बड़ा से गुना करेंगे ठीक है ये चीज़ दिमाग में रखिएगा ठीक है कि अगर हमको छोटा की ओर बनाना है तो छोटा से गुना करेंगे और बड़ा बनाना है तो बड़ा से गुना करेंगे यहाँ तक इन्हीं नहीं कोई दिक्कत को तो इस पॉइंट को लिखिएगा तो लिख लिया हालांकि लिखने का जरूरत नहीं सबको पता होगा ठीक है ऐसे फिर भी लिख लीजिए बाकी का सारा क्लास यहीं पे मिलेगा ठीक है हो गया चलिए आगे देखिएगा आप दिमाग में ये रखिएगा जैसे हम लोग एक बेसिक फॉर्मूला क्या है चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं ठीक है अगर हमको समय दे दे कांस्टेंट हो जाए समय स्थिर हो जाए मतलब कांस्टेंट हो जाए ठीक है अगर समय कांस्टेंट रहेगा तो ये जो चाल एस वन बराबर डी वन बटा टी लिख सकते और अगर दूसरा अगर चाल हो एस टू बराबर तो डी टू कांस्टेंट कहने का मतलब कि समय इसका समय भी वही है और इसका समय भी वही है क्लियर है जब इसको हम भाग लगाएंगे क्या होगा टी से टी खत्म हो जाएगा यानी क्या बच जाएगा डी वन बटा क्या बचेगा डी टू तो मतलब हम लोग को यहां से पॉइंट क्या मिल गया कि अगर समय अगर कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है अगर समय रहेगा तो जो चाल का रेशियो होगा वही आपको क्या मिल जाएगा दूरी का रेशियो होगा और जो दूरी का रेशियो होगा वही क्या मिलेगा चाल का रेशियो मिलेगा यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आए क्लियर है ठीक है तो यहां पे आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा यदि समय स्थिर हो तो चाल का अनुपात बराबर दूरी का अनुपात होगा अनुपात होगा यहां तक बातें समझ में आनी चाहिए ठीक है हो गया अभी इतना थोड़ा सा सब्र कीजिए ना सारा चीज आ जाएगा तब ठीक है कुछ बचेगा पढ़ाने के बाद तब बोलिए कि हाँ ये चीज बचा उसके बाद पूछ लीजिए पहले अभी तो पढ़ा ही रहे हैं आगे बढ़े चलिए आगे देखिएगा आप देखिए मान लेते हैं कि दूरी अगर स्थिर हो आप ही का बात माना जाए है ना चलिए तो अगर हम एस वन बराबर क्या लिख सकते हैं डी बटा टी वन लिख सकते हैं एस टू बराबर क्या लिख सकते हैं डी बटा टी टू कोई दिक्कत आप देखिए अगर ये भाग लगाते हैं तो ये तो उलट जाएगा ठीक है मतलब एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं इसको ठीक है डी वन बटा T1 वन डी हो गया बटा T1 वन आई उलट जाएगा तो क्या होगा T2 बटा D ये टी टू खत्म हो जाएगा मतलब क्लियर है अब देखिए यहाँ पे क्या मिल गया कि यदि दूरी स्थिर हो तो जो चाल का रेशियो होगा और समय के रेशियो का क्या होगा वित्त कर्मानुपाती होगा मैंने उल्टा होगा यदि अगर चाल का रेशियो को अगर उलट दीजिएगा तो आपको समय का रेशो मिलेगा समय का रेशो को अगर उलटिएगा तो आपका चाल का रेशो मिलेगा ठीक है तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए कि यदि दूरी स्थिर हो तो चाल का अनुपात समय के अनुपात का समय के अनुपात का विद्युत कर्मानुपाती होता है कर्मानुपाती होता है हो गया आगे बढ़ा जाए देखिए यहाँ तो इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा बेसिक पढ़ने में तो पूछ लीजिएगा ठीक है ना क्योंकि यहीं से पूरा क्वेश्चन का बेसिक क्रिएट होता है समय रहे आगे बढ़ा जाए अब चलिए अगला तीसरा पॉइंट क्या बच गया हम लोग को चाल अगर कॉन्स्टेंट हो जाए तो है ना अब देखिएगा हालांकि उसका ज्यादा यूज इसका नहीं होगा दूरी बराबर क्या होगा चाल गुना क्या बन जाएगा समय ठीक है इसमें चाल को क्या मान लेते, है? लेते हैं कॉन्स्टेंट मान लेते हैं हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं होने वाला है ठीक है तो ये क्या होगा डी वन बराबर लिख सकते हैं एस गुना टी वन वही आएगा डी टू बराबर लिख सकते हैं एस गुना टी टू अगर भाग लगाया जाए तो ये से ये तो खत्म हो जाएगा ठीक है यानी डी वन बटा डी टू बराबर क्या आ जाएगा टी वन बटा टी टू कब जब चाल रहेगा स्थिर रहेगा तब इसका कोई खास यूज होने वाला उतना नहीं है एक परसेंट अगर यूज हो जाए तो उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है ले रहे क्या कोई दिक्कत क्या ये मैंने सबसे कम इसका यूज होगा काम यूज होगा ठीक है मतलब कि ना के बराबर इसका यूज होगा सिर्फ इसको पॉइंट्स था तो तीनों पॉइंट्स को रिलेट करने के लिए हम इस तीसरा पॉइंट को बताएं हालांकि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ज्यादा यूज होगा ठीक है क्लियर है माखी मार नकल मत कीजिए आगे बढ़ा जाए चलिए आगे देखिएगा अब देखिएगा एक चीज दिमाग में रखिएगा हैं ए है और बी है ये दोनों आकर के सी पर मिल रहा है ठीक है तो यहां से भी वो इतना ही समय लेगा आने में आती यहां भी ये दोनों जिस पॉइंट पर मिलेगा उस पॉइंट पे टाइमिंग सेम होगा कि अलग अलग होगा क्या डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा हमको बताता क्या हुआ ठीक है हम बोल रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि दो गो को यहां से आने वाला है एक और यहां से आने वाला बाई है ठीक है अब ये दोनों आ रहा है तो मान लेते हैं कि दस बजे अगर मिला ठीक है तो दस बजे मिला तो दोनों तो दस बजे यहां पहुंचेगा समझ में आ रहा है दूरी भले ही अलग अलग हो चाल भले ही अलग अलग हो अलग अलग समय से भले ही वो चला हो ये बात अलग मैटर करता है लेकिन पहुंचेगा तो दोनों दस बजे ही मिलेगा तो दोनों दस बजे ही तो इसलिए बोला जाता है कि मीटिंग टाइम हमेशा सेम होता है समझे किसी से भी मिलिए मीटिंग टाइम क्या रहेगा सेम रहेगा ठीक है तो यहां पे दिमाग रखेगा मीटिंग टाइम क्या होता है सेम होता है ठीक है इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा ठीक है किन्हीं को इस पॉइंट में दिक्कत होगा तो बोलिएगा चलिए आगे बढ़ा जाए आप जैसे देखिएगा जैसे मान लेते हैं एक है पांच किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहा है एक आ रहा है दस किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ठीक है मतलब कि दोनों दोस्त थे कॉल किए हैं कि भाई चलो न आते हैं हाँ मिलते हैं ठीक है ठीक है दोनों अपना रेडी हुआ घर से निकल दिया ये भी इधर से निकला कि चलो मिलते हैं ये भी इधर से निकला कि चलो मिलते हैं ठीक है अब दोनों अलग अलग दिशा से चल रहा है दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है तो एक चीज दिमाग में रखिएगा कि अगर विपरीत दिशा से चलेगा तो वो क्या हो जाएगा जुट जाएगा ठीक है अगर एक ही दिशा में चलेगा तो वह घट जाएगा इसका साक्षात उदाहरण आप लोग को मिला होगा कि जैसे मान के चलिए कि आप लोग कहीं रेलगाड़ी से जा रहे हैं ठीक है तो आप इधर से इधर जा रहे हैं एक विपरीत दिशा से जो रेल निकल रही है वो लग रहा हो कि बहुत ज्यादा स्पीड में निकल गई ठीक है ऐसा महसूस हुआ है तो उसको बोलते हैं सापेक्षी गति मैंने किसी के सापेक्ष में गति हुआ तो अगर वो विपरीत दिशा ऐसा महसूस होता है कि उसका स्पीड ज्यादा है हो सकता है अगर जांच किया जाए तो आपका स्पीड ज्यादा रहेगा ठीक है तो अगर विपरीत दिशा से चलेगा तो क्या हो जाएगा उसका चाल जुट जाएगा और अगर एक ही दिशा में जाएगा तो उसका चाल क्या हो जाएगा घट जाएगा बस मेरी तो देखिए ये दोस्त इधर से इधर आ रहा है और ये दोस्त इधर से इधर आ रहा है तीन घंटा दोनों चला दो रही और क्या हुआ मिल गया पॉइंट पे ठीक है क्योंकि ये भी तीन घंटा चला ये भी तीन घंटा चला एक तो तरीका क्या है कि इसको भी तीन घंटा समय लगा होगा और इसको भी तो तीन घंटा समय लगा होगा बोल सकते हैं तो घंटा में कितना चला होगा तीस किलोमीटर चला होगा और ये घंटा में कितना चलेगा पंद्रह किलोमीटर चला होगा टोटल यहां से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना हो गया पैंतालीस किलोमीटर हो गया क्यों क्योंकि तीस प्लस कितना हो जाएगा पंद्रह यानी टोटल जुट के पैंतालीस हो जाएगा एक तो पॉइंट ऐसे आप निकाल सकते हैं दूसरा पॉइंट क्या है कि आप विपरीत दिशा से चल रहा है तो चाल को क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए तो चाल अगर जुटेगा तो पांच दस कितना हो पंद्रह पंद्रह हो, हो गया समय कितना लग गया आपको? तीन। तो दूरी कितना हो जाएगा पंद्रह गुना तीन कितना आएगा पैंतालीस आ जाएगा आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं क्लियर है कोई दिक्कत यहां तक को कोई समस्या नहीं ना चलिए तो इसको आप लिख सकते हैं ये तो लिख लिए होंगे आप लोग ठीक है तो लिख लिए तो बाकी इसको हम आगे लिखाते हैं ठीक है यहां पे लिखिएगा कि अगर एक ही दिशा में चला जाए तो चाल क्या होगा घटेगा और अगर विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या हो जाएगा चाल जुटेगा विपरीत दिशा में जाने पर चाल जुटता है और एक ही दिशा में चलेगा तो चाल क्या होगा घटेगा तो चाल घट जाएगा क्लियर है यहां तक कि नहीं कोई दिक्कत अब देखिएगा जैसे मान लेते हैं दो रेलगाड़ी है ठीक है एक रेलगाड़ी इधर से चल रही है और एक रेलगाड़ी इधर से चल रही है ठीक है जब इसमें हमको दूरी निकालना होगा तो ये दोनों का जुट जाएगा चार दूरी क्या होगा दोनों का जुट जाएगा अगर दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा तो दूरी बराबर होगा दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योगफल जैसे मान के चलते हैं कि अगर ये रेलगाड़ी है ठीक है इतना बड़ा है और ये रेलगाड़ी है इतना बड़ा ठीक है ये रेलगाड़ी क्या यहां पे अगर ये पहुंच जाएगी तो ये पार कहलाएगी नहीं पार कहलाएगी जब तक कि ये पूरा यहां से यहां तक न चल जाए ठीक है इस पॉइंट्स को मान के चले कि स्थिर है पहला रेलगाड़ी जो खड़ा है प्लेटफॉर्म पे यहाँ से दूसरी रेलगाड़ी निकला यहाँ से क्या ये यहाँ पहुंचा पार कर गया नहीं ना जब यहाँ से जब तक इसका लास्ट होगी इसके सामने नहीं आ जाता तब तक ये पार नहीं कहलाएगा मतलब ये स्टार्ट कहाँ से किया यहाँ से स्टार्ट किया और ये कहाँ पहुंच गया यहां तक पहुंच गया ठीक है यहां तक पहुंचा तो ई वाला रेलगाड़ी तो यहां से यहां तक चला गया यहाँ से यहाँ दूरी हुआ तो ई रेलगाड़ी की पहल का क्या है और ही कितना है दूसर का है यहां से यहां तक यही ना चला यही जो दूरी चला तो भी यी भी जोड़ के हम बोल सकते हैं कि टोटल दूरी हुआ बोल सकते हैं कि नहीं कोई दिक्कत क्लियर है तो चलिए इसको अगर हम बोल सकते हैं कि अगर दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा तो दूरी होगा दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योगफल ठीक है तो यहां पे लिख लेते हैं क्या कि दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करे को पार करे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योग हो जाएगा बात समझ में आई यहां तक ठीक है अच्छा दूसरी रेलगाड़ी के जगह पे प्लेटफार्म भी रहेगा तो ही होगा क्योंकि प्लेटफार्म को पार करेगा तो क्या हो जाएगा दूरी प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई हो नहीं होगा तो पॉइंट को भी आप लिख लीजिएगा कि यदि रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करे करे तो दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्लियर है हो गया क्या यदि रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करे ठीक है तो दूरी बराबर जो जैसे ट्रेन को पार कर रहा था तो जैसे ऐसे निकला अगर ये प्लेटफॉर्म रहेगा तो ऐसे निकलेगा तो प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा तो जैसे पहला गाड़ी स्थिर था पार किया था दोनों लंबाई जुट गया तो उसी तरह से प्लेटफॉर्म भी एक प्रकार के मान लीजिए कि स्थिर गाड़ी है ठीक है तो उस तरह से दूरी क्या हो जाएगा निकलेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस क्या होगा रेलगाड़ी की लंबाई दोनों निकल जाएगा क्लियर यहाँ तक क्या का है भाई ऐसे है? है बोलते हैं बोलिए थोड़ा सा आवाज आए आधा बोलते हैं आधा रह जाते हैं चलिए आगे बताते हैं अगर मान लिया जाए कि अगर पॉल हो पॉल मतलब समझ रहे ना बिली का खंबा ठीक है बिली का खंबा हो अच्छा या तो ब्रिज की लंबाई अगर ज्यादा रहेगा ठीक है मान लेते हैं कि 500 मीटर का ब्रिज हो ठीक है रेलगाड़ी का ब्रिज होता है उतना अगर ब्रिज उतना रहेगा तो ब्रिज को भी अगर कहेगा अगर ब्रिज का लंबाई का जिक्र नहीं किया तो आप उसको ना मान के चले ठीक है ना लेकिन अगर उसका लंबाई रहेगा तो उसको आप मान के चलना पड़ेगा कि इतना इसका लंबाई है ठीक है कभी कभी ऐसा होता है कि पुल को पार करेगा उसका लंबाई का जिक्र नहीं किया तो मानके चले कि ट्रेन की तुलना में उसका लंबाई ना के बराबर है, ठीक है अब जैसे मान लेते हैं कि एक खंभा है अब खंभा के जगह पे आदमी भी को भी रख सकता है ठीक है ना तो क्या रेलगाड़ी की तुलना में खंभे की कोई चौड़ाई होगी तो उसको ना रह के मान के हालांकि किया जाए तो होगा लेकिन उसको करके चला जाता है है ठीक अगर कोई खंबा को अगर रेलगाड़ी पार करेगा ठीक है ठीक है अगर खंबा को अगर रेलगाड़ी पार करेगा तो सिर्फ अपना ही लंबाई पार करेगा दूरी जो क्या होगा रेलगाड़ी की लंबाई ही हो जाएगा ठीक है लिख दीजिएगा कि यदि दी, रेलगाड़ी खंभे को या आदमी को पार करे तो दूरी बराबर होगा रेलगाड़ी की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई ठीक है अब खंबे की जगह पे कुछ भी हो सकता है हो गया अब देखिए जितना सारा पॉइंट्स था ये लगभग लगभग हो चुका है और जैसे देखिए क्वेश्चन के वैरायटी अगर अलग अलग रहेगा तो उसमें अलग अलग थोड़ा तो सा थॉट्स लगाना पड़ेगा और उसको अगर छोड़ा जाए क्वेश्चन के थॉट्स को तो इतने सारे पॉइंट्स में पूरा का पूरा क्या होना चाहिए कवर होना चाहिए ठीक है अगर देखिए बता रहे हैं जिनको ये पॉइंट्स क्लियर रहेगा उनका एक अगला चैप्टर रहेगा बोट एंड स्ट्रीम वो भी क्लियर रहेगा ठीक है और एक चीज समीकरण आप लोग ध्यान में रखिएगा कि x प्लस बाई अगर मान लेते हैं कि u हो और x माइनस बाई ब भी हो अगर हमको x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ करके दो से भाग लगा दीजिए और बाई का मान निकालना है तो दोनों को घटा करके दो से भाग लगा दीजिए इस पॉइंट का इस्तेमाल आपको बोट एंडस्ट्रीम में काफी ज्यादा होगा ठीक है स्मेरे? क्या अच्छा उसको अभी नहीं रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है अगर ऐसा कुछ भी हो एक से बाइक कुछ भी हो सकता है इस पे हमको रख लीजिए बाइक जब आपने आपको रख लीजिए बाकी यू भी जो भी मान है रख लेते हैं ठीक है तो ऐसा समीकरण जो भी हो कुछ भी हो ऐसा कंडीशन समीकरण है ना कुछ भी आप रख सकते हैं स्मर ता एक्स का मान कितना होगा दोनों को जोड़ करके के इसको हल कीजिए ना हल तो ये कटेगा टू एक्स बराबर यू प्लस भी आएगा एक्स कितना यू प्लस भी बटा टू आ जाएगा समझे समीकरण तो कुछ भी हो सकता है क्लियर है अब चलिए देखिए इस एक बार हम लोग इसको फिर से दोबारा रिवीजन कर लेते हैं पूरा पॉइंट्स को ठीक है चलिए यहाँ पे क्या था चाल बराबर हम लोग कि दूरी बटा समय था चाल हमको क्या लिखा गया कि एकांक एक समय में जो तय की गई दूरी होता है उसको क्या हम लोग कहते हैं चाल कहते हैं तो टी समय में डी दूरी तय करता है तो मान लेते हैं कि एक समय में कितना करेगा डी बटा टी करेगा और एकांक समय में जितना होगा उसी को क्या कहेंगे चाल कहेंगे यानी स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉउंट क्या हो गया टाइम हो गया ठीक है नहीं डिस्टेंस बटा क्या होगा समय हो जाएगा अब देखिए चाल बना क्या होगा दूरी बटा समय इसी को अगर उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा क्योंकि दूरी बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो चाल गुना क्या हो जाएगा समय और अगर समय बराबर निकालना चाहेंगे तो इसको इधर लेके चाहेंगे इसको इधर लेके आएंगे क्या होगा दूरी बटा क्या हो जाएगा चाल हो जाएगा क्लियर यहाँ तक चलिए आगे देखिएगा आगे हम लोग दिखा थे कि अस्सी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर कोई गाड़ी चलती है पांच घंटा तक चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा चार सौ किलोमीटर इसी को अगर दो घंटा में अगर तय करना है तो क्या करेंगे इसको दो सौ किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। रहा आगला हो देखे थे क्या कि अगर मान लेते हैं कि, कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना हो पांच बटे अठारह से अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलना हो तो अठारह बटे पांच से गुना करते हैं क्लियर यहां तक चलिए आगे क्या था आगे चाल बड़ा दूरी बटा समय है इसमें क्या बोला गया कि समय को अगर हम स्थिर कर दें माने माने कांस्टेंट उसको फिक्स हर समय के लिए उसको मान मान फिक्स तो जो चाल का जो रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा दूरी का रेशियो होगा यही यहाँ पे लिखा है कि यदि समय स्थिर हो तो चाल का अनुपात बराबर दूरी का अनुपात होगा क्लियर है चलिए अगला जो पॉइंट था क्या लिखा है कि अगर दूरी स्थिर हो तो दूरी स्थिर हो गया डी फिक्स हो गया तो जब दूरी स्थिर होता है जो चाल का रेशियो होता है उसका उल्टा है समय के रेशियो का क्या होता है उल्टा होता है मतलब क्या लिखा है यदि दूरी स्थिर हो तो चाल का अनुपात समय के अनुपात का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है एक होता है समानुपाति एक होता है विद्युत कर्मानुपाति समानुपाति का मतलब सीधा सीधा अव्युत कर्मानुपाति का मतलब क्या हो गया उल्टा ठीक है तो ये पॉइंट हम लोग कहता ठीक है अगला जो पॉइंट है दूरी बढ़ाने इसमें क्या कर दिए चाल को स्थिर रख दिया तो जो चाल को अगर स्थिर रखें तो जो दूरी का रेशियो था वही समय के रेशियो के क्या हो गया बराबर हो गया हालांकि इसका यूज क्या बताया था कि सबसे कम होगा क्लियर है चलिए आगे जो पॉइंट्स है इसमें क्या बताया है कि अगर मान लेते हैं विपरीत दिशा से अगर चला जाए अच्छा मीटिंग टाइम क्या होता है सेम होता है मतलब कहीं से भी आप चलिए करके कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आप मिलिएगा तो उस समय का टाइमिंग अगर दस बज रहा है तो आपका अगला भी पार्टी का क्या रहेगा दस ही बजते रहेगा उसके लिए ठीक है तो इसलिए मीटिंग टाइम क्या होता है सेम होता है भले दूरी अलग अलग हो कोई स्पीड में आया हो कोई धीरे धीरे आया हो ये बात अलग मैटर करता है ठीक है लेकिन टाइम क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा अब देखिए अगर विपरीत दिशा से चलता है तो चाल क्या हो जाएगा जुट जाएगा अगर एक ही दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा घट जाएगा इस पॉइंट को लिखाया हुआ है क्लियर है चलिए तो इसमें हम लोग क्या लिखे कि विपरीत दिशा में जाने पर चाल जुटता है एक ही दिशा में जाने पर चाल घटता है दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करे तो दूरी बराबर क्या होगा दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योग होगा अगर प्लेटफार्म को पार करेगा रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा ठीक है अगला पॉइंट जो था क्या बोला गया कि यदि रेलगाड़ी खंभे को या आदमी को पार करे या तो कोई पिलर दिया हुआ है गाड़ा रहता है किलोमीटर का इंडिकेट करने के लिए या पिलर भी रहेगा तो आदमी जैसा ही बिहेव करेगा इसका जो दूरी होगा रेलगाड़ी की लंबाई के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा क्लियर है यहां तक अब देखिएगा आगे जो पॉइंट्स है अब देखिए इसके बाद क्या आता है क्वेश्चन आ जाता है हम लोग को ठीक है तो वहां तक कितने लोग को क्लियर है थोड़ा सा हाथ उठाइएगा चलिए क्लियर है अगर क्लियर है ये भाई कौन ऐसे ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं फालतू फालतू के ठीक है चलिए इसको बनाइएगा आप लोग अब देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा है ठीक है इसको हमको क्या बताना है सबके सब, सब मीटर प्रति सेकंड में है तो क्या करेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर प्रति सेकंड में लेने के लिए क्या करेंगे 18 बटे पांच से गुना ना पांच बटे अठारह से क्या करेंगे गुना करेंगे ठीक है चलिए नौ दुना अठारह हो जाएगा और नौ पचे पैंतालीस पच्चीस बटा कितना होगा दो बराबर कितना होगा बारह पॉइंट फाइव मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा आंसर क्या नहीं वन पॉइंट नहीं है ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है ठीक है हाँ? देखिए बताते हैं वहां पे स्पेस नहीं दिया गया है स्पेस दिया जाता दूर हो जाता थोड़ा स्पेस नहीं पड़ा है ठीक है अच्छा देखिए अच्छा वन पॉइंट फोर फाइव भी अगर मे भी रहे इसमें क्या चीज़ है कैलकुलेशन में थोड़ा होगा कर लीजिएगा है कि नहीं क्लियर है चल आगे बढ़े नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा हो जाता है चलिए इसको बनाइए आप देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा कि आपका समय दिया हुआ है सेकेंड में ठीक है तो आप इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए हाँ इधर आसान है थोड़ा अब देखिए हमको क्या निकालना है दूरी निकालना है तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में दल लेंगे तो पांच बट्टे अठारह से गुना कर लेते हैं तो ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में और हमको समय कितना दिया हुआ है बत्तीस तो बत्तीस सेकंड से कर लेते हैं गुना क्योंकि हमको दूरी भी दिया हुआ सब मीटर में अठारह दूना छत्तीस हो जाएगा पांच दूना दस तीन सौ बीस मीटर हो जाएगा आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए इसको बनाइएगा इतना सोचने के बजाय थोड़ा कलम चला लीजिएगा आसानी से हो जाएगा ठीक है सब चीज मन में करने का एकदम पता नहीं आदत पड़ जाता है कि मन में ही कर लेंगे ऐसा नहीं होता है सब जितना देर सोचिएगा उतना देर में कलम चलाइएगा हो जाएगा हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं पूछ रहे हैं कि किस स्कूल में पढ़े हैं हम सी बी एस से नहीं है बिहार बोर्ड से बिल्कुल ठेठ शुरू से बचपन से लेकर के आज तक ऐसा नहीं होता है कि बिहार बोर्ड का स्टूडेंट एकदम जल गुजरल होते हैं चलिए देखिएगा बन गया सिंपल तो था दूरी आपको दिया हुआ है 600 मीटर और आपको समय भी दिया हुआ है पांच मिनट तकलीफ अगर इस सेकंड में होता तो आसानी से हो जाता ठीक है हमको निकालना है चाल अच्छा इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते का दिक्कत है लिख सकते हैं पांच गुना साठ सेकेंड लिख सकते हैं गुना नहीं कीजिए तो कर भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा छह सौ है पांच गुना कितना होगा साठ ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में हमको क्या पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में हमको अठारह बटे पांच से कि पांच बटे अठारह से अठारह बटे पांच से क्या करेंगे गुना करेंगे ठीक है ये कितना हो जाएगा दस हो जाएगा ये हो जाएगा गो ठीक है अठारह दूना कितना होगा छत्तीस बटा पांच हो जाएगा तो सात पॉइंट टू किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका आंसर ठीक है हो गया चलिए आगे देखिएगा इसको बनाइए चलिए हो गया चाल आपको दिया हुआ है बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए क्यों क्योंकि आपको समय सेकंड में दिया हुआ है कितना हो जाएगा चार कितना होगा बीस मीटर पर सेकंड। और आपको समय दिया हुआ है पांच सेकंड, तो आपको दूरी जो हो जाएगा बीस गुना पांच बराबर कितना होगा सौ आप देखिए इसको इतना करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला भी पता है सब चीज पता है तो इसको इतना लिखना नहीं है अगर एग्जाम में अगर ऐसे नहीं बनाया जाता है ठीक है ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे किया जाता है ठीक है अगर एग्जाम में बनाना रहेगा करना क्या है बहत्तर है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे और हम पाँच से कर लेंगे गुना बस इतना ही सोचना है एग्जाम में समझे ये कितना हो जाएगा चार बीस बी पचे कितना हो जाएगा सौ आंसर ठीक है ताकि राफ कॉपी भी देखे तो पता चले कि हाँ कौन पढ़े वाला के था कॉपी ठीक है नहीं एग्जाम लेता है तो राफ कॉपी ले लेता है ना सब बिहार दरोगा में देता है देता है राफ कॉपी नहीं देता एक्स्ट्रा अलग से नहीं देता हाँ ऑनलाइन में देता है चलिए यहाँ तक हो गया चलिए आगे बनाइएगा इसको ठीक है हाँ. और थोड़ा बड़ा किया जाए क्या चलिए देखिएगा आपको चाल दिया हुआ है 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दे रहा है और ये कहता है कि पांच घंटा में दूरी तय करता है ने कुछ दूरी मतलब कि पांच घंटा में जितना दूरी होगा वो तो इसका दूरी कितना होगा 240 गुना कितना हो जाएगा पांच ही हो गया टोटल दूरी इतना किलोमीटर होगा ठीक है गुना भी कर सकते हैं अब एक समय हमको दिया है कि इसी दूरी को ना उसी दूरी दूरी को बोल रहा है मतलब कौन दूरी जितना ही दूरी तय हुआ उसी के बारे में बता रहा है अब इसी को कितना देर में तय करना है एक पूर्णांक दो बटा, तीन समय में एक पूर्णांक दो बटा, तीन को क्या लिखेगा पांच बटा तीन होगा यानी आवर यानी टी कितना हो गया पांच बटा तीन हो गया तो आपको चाल नहीं पता चलेगा दो सौ चालीस गुना पांच बटा पांच तीन चल जाएगा ऊपर कट गया चौबीस या बहत्तर सात सौ बीस किलोमीटर हो जाएगा आंसर नहीं किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन आधा नहीं है पूरा है सिर्फ उधर खाली सट गया है उसी वजह से ऐसा दिख रहा है ठीक है आप देखिए इसी को अगर बनाना रहेगा क्या कीजिएगा इसको 240 गुना कितना होगा पांच इसको क्या कर लीजिएगा दो तीन तीनों तो कितना होगा पांच पांच बटा तीन पांच आएगा इधर तीन चल जाएगा ऊपर इसे ही खत्म कितना होगा सात सौ बीस ठीक है यही कीजिएगा ना तो एग्जाम इतना ही तो करना है कब तो जब आपका समय बहुत कम हो तो ठीक है क्या बस सारा खेल कॉन्सेप्ट का ही है ठीक है ठीक है आगे बढ़ा जाए चलिए इसको बनाइए हो गया चलिए देखिएगा रहा है कि एक कार जो है साठ किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है ठीक है और कहता है एक विशेष दूरी एक घंटा में समय यहां पे क्या दिया हुआ है एक घंटा दिया हुआ है ठीक है साठ क्या स्पीड से चलता है एक घंटा समय है तो कितना हो गया साठ किलोमीटर कोई दिक्कत अब इसी को कहता है कि चालीस किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या करना है दूरी को तय करना है तो दूसरी कार को कितना समय लगा दूसरा कार का चाल कितना है चालीस किलोमीटर प्रति घंटा इसी दूरी को तय करना है तो आपको निकालना होगा समय कितना होगा साठ बटा नहीं दूरी बटा कितना होगा चाल ये होगा तीन ये होगा दो तीन बटा दो मतलब कि वन पॉइंट फाइव आवर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ठीक है मतलब कि डेढ़ घंटा तीन बटा दो भी लिख सकते हैं ठीक है क्वेश्चन तो आसान लग रहा होगा तो है कि नहीं मजा नहीं आ रहा है है ना ठीक है चलिए आप लोग की इच्छा के खिलाफ किसको जाना है, है ना आप लोग की इच्छा के खिलाफ किसको जाना है चलिए इसको बनाइए देखिए क्वेश्चन नहीं बने टेंशन प्रेशर नहीं लेना ठीक है बन गया तो भी ठीक है नहीं बना तो और ठीक है क्योंकि सीखने को मिलेगा धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा एक बैक नहीं बढ़ेगा ठीक है चलिए इसको बनाइए ना बहुत आसान हो रहा था आप अपना बनाइए ऐसा थोड़े होता है। तो देखिए बनाने वाले को तो रोक नहीं सकते देखिए जब भी अगर ऐसा हो ठीक है कोई आंसर बना लिए बोल दिए आप उस आंसर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए क्यों किस रास्ते से गया होगा आप इसको तो पता कर सकते हैं नहीं तो आप बनाइए उसके लिए रेडी रहिए आप ठीक है हो सकता है उसका आंसर गलत हो ये मान के चलिए ठीक है ठीक है अब देखिए हम इसको बताते हैं शरद किसी दूरी की आधी को चार किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष आधी को पांच किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है ठीक है यदि उसे कुल मिलाकर बयालीस मिनट का समय लगता है तो यह दूरी लगभग कितना होगा लगभग कि निकालना है ठीक है हो सकता है ये दशमलव में आ जाए पूरा पूरा के आसपास में ठीक है अब देखिएगा मान लेते हैं कि यहां से यहां तक कुछ दूरी है ठीक है टोटल दूरी कितना मान लेते हैं कि टू एक्स होगा ठीक है, ठीक है? तो आधा दूरी को क्या मानते हैं एक्स और आधा दूरी ये भी हो गया एक्स यहां तक कोई दिक्कत चलिए एक का तय कितना है चार किलोमीटर प्रति घंटा है और ये कितना चलता है पांच किलोमीटर प्रति घंटा और ये दोनों जो समय है दोनों समय जोड़ के कि कितना लगा है बयालीस मिनट का समय लगा है क्लियर है अब देखिए तो ये दूरी दिया हुआ है चाल दिया हुआ है तो दूरी बटा चाल क्या कहते हैं समय होगा और ये क्या होगा दूरी बटा चाल चाली हो जाएगा समय ये दोनों जो समय है जोड़कर कितना आ रहा है बयालीस मिनट आ रहा है लेकिन हम यहाँ पे क्या किलोमीटर प्रति घंटा में लिए हैं ठीक है थीके? तो आप मिनट को क्या कर लीजिए आवर में कन्वर्ट कर लीजिए मतलब साठ से इसमें भाग लगा लीजिए क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत अब इसको कर लीजिए कैलकुलेट बीस हो जाएगा पांच एक्स प्लस चार एक्स बराबर बयालीस बटा साठ हो जाएगा क्लियर है इसको अगर जोड़िए कितना आएगा नौ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं बीस गुना बयालीस बटा साठ तो एक्स बराबर कितना आएगा बीस गुना बयालीस बटा साठ अब बटा कितना लिख सकते हैं नौ कोई दिक्कत अब इसको काट लीजिए कितना आएगा तीन चौदह चौदह बटा कितना आएगा नौ कितना मतलब कटेगा ये पूरा पूरा नहीं आ रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा इतना ही आएगा इतना किलोमीटर प्रति दूरी निकालना है ना आप देखिए बता रहे इतना तो आया एक्स का मान आया इसका मान आया कि कितना चौदह बटा नौ आ गया और इसका भी कितना आएगा चौदह बटा नौ आएगा ठीक है टोटल कितना आ जाएगा अट्ठाईस बटा नौ आ जाएगा यानी टू एक्स कितना होगा दो गुना चौदह बटा नौ यानी अट्ठाईस बटा नौ तो नौ हो जाएगा के आसपास में आ रहा है तो आप तीन किलोमीटर के आसपास में आप आंसर लगभग में मार सकते हैं क्लियर है एक बार इसको फिर से हम समझाते हैं इसको ठीक है देखिए कहा कि शरद है जो मान लेते हैं कि टोटल टू एक्स दूरी तय किया है टू एक्स दूरी जो है एक दूरी को मान लेते हैं एक है दूसरा आधा मान लेते हैं कि एक ये चार के स्पीड से चला है ये पांच के स्पीड से चला है ठीक है

बयालीस यहां से आपको एक अलग पॉइंट मिला है ठीक है ना यहां तक तो समझ गए ना कोई दिक्कत अच्छा x का मान इतना निकल गया कितना चौदह बटा नौ टू एक्स हमको दूरी था, 28 था? 9, तो अट्ठाइस बटा कितना आता नौ यानी धीरे पॉइंट कितना आएगा वन के आसपास में क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है अब देखिएगा इसको अगर हम मान के चले कि पांच को अगर लिख दे बीस को पांच गुना चार आई नौ को हम बोल सकते हैं पांच प्लस चार आई इसको बोल सकते हैं टाइम बात समझ में कुछ आ रही है क्या हो गया चाल का गुना हो गया ठीक है अब अबा चाल का योगफल हो गया था चाल का योगफल हो गया गुना कितना हो गया टोटल टाइम हो गया ठीक है समझ में ये पॉइंट आ रही है तो ठीक है नहीं तो इसका बाद हम बताते हैं इसको कि कैसे हुआ होगा ठीक है यहाँ तक क्लियर है ना तो यहाँ तक इसको उतार लीजिएगा ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं हाँ उससे भी बन जाएगा एवरेज स्पीड निकाल करके ठीक है क्लियर है, आगे बढ़े देखिएगा इसको आप जैसे देखिएगा एक हम बता रहे हैं आप लोग को जैसे देखिए मान लेते हैं कि कोई यू बेग से गया होगा और भी बेग से वापस आ गया ठीक है और आने और जाने में टोटल समय कितना लगा है टी आने प्लस जाने में कुल कितना लगा है टी समय लगा तो आपको निकालना है डिस्टेंस हम इसको बता रहे हैं। ठीक कोई दिक्कत अब देखिएगा मान लेते हैं कि डिस्टेंस हो गया डी हुआ होगा ठीक है तो देखिए डी जाने में डी दूरी जाने में इतना समय और डी दूरी आने में इतना समय यही है ना टोटल समय कितना होगा जी कोई दिक्कत ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है यहाँ तक चलिए तो इसको अगर हम डी अगर कॉमन भी ले लें तो कितना वन बटा यू प्लस वन बटा भी बराबर लिख सकते हैं टी होगा तो डी बराबर इसको लिख सकते हैं इसको यहां, गुना इसको यहां, करते हैं ना यू प्लस कितना होगा बराबर कितना हो जाएगा टी कोई दिक्कत अब देखिए अगर डी बराबर आप निकालिएगा तो कितना होगा टी इंटू यू भी होगा यानी यू भी बटा यू प्लस भी गुना कितना है टी है तो ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस का फार्मूला आ जाएगा कब तो जब बराबर दूरी गया हो और उतना ही दूरी वापस लौटा हो ठीक है इसको और विस्तार आप कर सकते हैं कि जितना इधर से यहाँ गया आई ही दूरी को इधर न लौटा करके इधर अगर लेके चले जाते अब क्या दिक्कत था मतलब कि ये दूरी था इधर से इधर ही आया इधर से इधर ही गया तो इसी दूरी को हम इधर से लौटा करके नहीं इसको आगे बढ़ा देते तो दूरी तो बराबर ही आ जाता तो जब दो दूरी बराबर हो और उसका चाल दिया हुआ हो ठीक ना और टोटल समय दिया हुआ था आप इस पर इसका निकाल सकते हैं जैसे इसमें क्या लिख सकते थे पिछला क्वेश्चन में ठीक है पिछला क्वेश्चन में कितना था चार था पांच था आपको क्या निकालना था एक्स निकालते क्योंकि आधा ही निकालते ना इसको एक्स निकालता तो आधा निकालता क्या निकालते दोनों का क्या है गुणनफल है तो पांच गुना चार और जोड़ पांच जोड़ चार गुना बयालीस मिनट में था तो इसको आवर में कन्वर्ट किए थे यही ना था यहाँ जो था यही पॉइंट ना है तो ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया थोड़ा हाथ उठाइएगा बाकी लोगों को पार समझ में आया ये पॉइंट समझ में आया अच्छा आया है तो आगे इसमें क्वेश्चन है ठीक है अगर नहीं आया तो अभी सभी बोलिए कि हाँ नहीं आया है एक बार दोबारा समझा देते हैं ना लग रहा है कि समझाना चाहिए चल देखिए से ही गया है और भी बेग से वापस लौट गया है ठीक है तो डी दूरी है गया है डी दूरी है कितना है चाल दिया हुआ है तो डी बटा यू हो गया और कितना है लौट रहा है तो डी दूरी लौट रहा है और भी बेग से लौट रहा है तो दूरी बटा चाल हो गया टोटल समय कितना है टी इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो डी इसमें कॉमन ले लिए तो इसको यहाँ गुना करेंगे इसको यहाँ जुटेगा तो यू भी होगा यहाँ पे भी होना चाहिए था यू प्लस वी करें चाहे वी प्लस यू करें बात देखी होगा ठीक है आई दोनों क्या होगा नीचे गुना इसको इधर ले जाएंगे इसको इधर हो जाएगा ये चाल का क्या हो गया गुणनफल आई चाल का हो गया योगफल फल गुना क्या हुआ टोटल समय हो गया, गया। क्लियर है कोई दिक्कत अब देखिए इसको आगे बनाइएगा इस पर ठीक है शायद क्वेश्चन मिल जाए चलिए इसको बनाइए सेम टू सेम उसी तरह से हो गया चलिए आगे इसको बनाइएगा तो हो गया हो गया देखिए आपको बता रहा है क्या कि एक कार किसी यात्रा को ग्यारह घंटा में तय करती है पहली याद ही दूरी कितना है तीस किलोमीटर प्रति घंटा की गति से या दूसरा कितना है पच्चीस की गति से तो कार कुल कितना दूरी तय किया ठीक है मान लेते हैं कि इधर देखिए दोनों तरीका से हम बताते हैं जो पिछला क्वेश्चन में नहीं समझ पाएंगे इसमें समझ लीजिएगा ठीक है है ये एक दूरी होगा ये भी एक दूरी होगा ये कितना चल रहा है तीस के स्पीड से ये चल रहा है पच्चीस के स्पीड से होगा एक बटा तीस और प्लस एक बटा कितना होगा पच्चीस बराबर टोटल टो टो समय कितना दिया हुआ ग्यारह है इसको कैलकुलेट करें कितना आ डेढ़ सौ चाहे तो इसको ऐसे कर लीजिए तीस गुना तो पच्च पच्च पच्चीस तो पच्चीस एक्स प्लस कितना होगा तीस एक्स बराबर कितना होगा ग्यारह कितना आएगा पचपन एक्स बटा कितना होगा तीस गुना पच्चीस बराबर कितना होगा ग्यारह काट सकते इसको ग्यारह पची पचपन पचपचे पच्च पचीस एक सौरा कितना होगा डेढ़ सौ किलोमीटर अब देखिए एक सौरा जब डेढ़ सौ है और ये भी डेढ़ सौ होगा तो टोटल कितना हो जाएगा टू एक सौ तीन सौ किलोमीटर ठीक है क्लियर है अच्छा उस पर भी आप बना सकते हैं ना क्योंकि यही चीज तो था वहां पर अगर हमको एक बराबर निकालना है क्योंकि यही दूरी अगर हमको निकालना है तो क्या लिखेंगे दोनों को गुना करेंगे तीस गुना पच्चीस और बटा तीस जोड़ आगुना हो जाएगा ग्यारह ये तो आएगा पचपन ठीक है पचपन आएगा तो ग्यारह पची पचपन कट जाएगा पांच ही कटेगा यानी कितना होगा डेढ़ सौ तो हमको चाहिए टू एक्स कितना हो जाएगा तीन सौ तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं ठीक है 거기야 oh, yeah. चलिए आगे देखिएगा इसको बनाइएगा हाँ डायरेक्ट पुट करके भी बना सकते हो उसमें ठीक है राजू नाम के कोई स्टूडेंट हैं उनको हम थोड़ा सा वार्निंग दे दे रहे हैं कमेंट्स आपका हम देख रहे हैं ब्लॉक हो जाइएगा ठीक है देखिए इसमें दिया हुआ है एक आदमी सात घंटे में अस्सी किलोमीटर की दूरी का यात्रा की जिसमें कि जिसमें से कि दर से पैदल यानी कहता है कुछ पैदल चला है कुछ किसी चीज से चला होगा ठीक है कहता है कि एक सोलह किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला है और कुछ है आठ किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला है तो उसने कितनी दूरी यात्रा पैदल किया है ठीक है अच्छा पहले पैदल किया है और फिर किया है क्या कुछ यात्रा से किया है तो पैदल वाला सोलह है और यात्रा से कितना है आठ है ठीक है और टोटल कितना है अस्सी किलोमीटर की दूरी है अब देखिएगा दो तरह के चला है अस्सी किलोमीटर की दूरी है और समय कितना दिया हुआ है सात घंटा एक चला है सोलह किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और एक चला है आठ किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हमको लगता है कि आठ किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जब पैदल होगा क्योंकि ऐसा कॉमन से हो क्वेश्चन लगता है उल्टा पुल्टा थोड़ा ठीक है अब देखिए इसमें क्या मान लेते हैं कि ये टी अगर समय से चला होगा तो कितना चला होगा सात माइनस टी समय से चला होगा ठीक है इसको और भी हम दूसरा तरीका से बना सकते हैं जो एलिगेशन मेथड से बनेगा ठीक है चला होगा तो सात माइनस टी समय से चला होगा चाल इतना है समय इतना है तो दूरी कितना होगा सोलह टी अब प्लस ये कितना होगा सात माइनस टी इंटू कितना हो जाएगा आठ बराबर टोटल दूरी कितना होगा उसी। ठीक है अब चलिए देखिएगा तो सोलह टी और प्लस कितना होगा आठ सत्य छप्पन माइनस आठ टी बराबर कितना होगा अस्सी ठीक है इसको जब घटाएं कितना बचेगा आठ तो आठ टी बराबर अस्सी में से छप्पन जाएगा ना ठीक है कितना बचेगा अस्सी माइनस छप्पन बराबर कितना होगा चौबीस तो टी बराबर कितना होगा चौबीस बटा आठ बराबर कितना होगा तीन घंटा चलेगा तो अगर ये तीन घंटा चला है तो ही कितना चला होगा चार घंटा चला होगा ठीक है आपसे पूछा क्या जा रहा है ठीक है आप देखिएगा सोलह भी है और अड़तालीस भी है आप किसी को ये मान के चलिए देखिए इसको अगर क्या पहला था पैदल तो पहल का को आप मान के चलिए कि सोलह किलोमीटर प्रति घंटा गति से पैदल चला होगा ठीक है और ही चला होगा यात्रा से आपको पैदल कितना दूरी चलना पड़ेगा अड़तालीस किलोमीटर क्या चला है पैदल चला है और बाकी जो दूरी बच के वो क्या चला होगा ठीक है तो इसमें क्या होगा अड़तालीस हो जाएगा इसका आंसर होगा उतारे इसको फिर से हम एक बार समझाते हैं हाँ पैदल कैसे पता चला कि चार आठ घंटे आठ घंटे प्रति घंटे चले चले हाँ कैसे ठीक तो तो है आठ के स्पीड से साइकिल से चल रहा है ठीक है कर रहे हैं इसको ठीक है देखिएगा 80 किलोमीटर टोटल दूरी है ठीक है सात घंटा में तय कर रहा है ठीक है इसमें से कुछ दूरी कहता है पैदल चलता है कुछ दूरी यात्रा करता है सोलह किलोमीटर प्रति घंटा गति से और कुछ दूरी आठ किलोमीटर प्रति घंटे प्रति घंटा गति से साइकिल से चलता है ठीक है तो ये साइकिल से चल रहा है ये क्या चल रहा है पैदल चल रहा है ठीक है ये क्या है पैदल है और ये क्या है साइकिल से अब देखिएगा इसमें टोटल सात घंटा का समय है तो इसमें मान लेते हैं कि टी घंटा का समय लगा होगा तो बाकी जो बचा सात माइनस टी कितना चला, के चला ये भी आपको चाल दिया हुआ हुआ समय दिया हुआ, तो दूरी निकल जाएगा ठीक है ये, है, है, तो तो ये सोलह ही होगा छप्पन होगा तो आठ टी बचेगा घटेगा गा, कितना बचेगा चौबीस चौबीस आठ आ जाएगा कितना तीन घंटा मतलब चला तीन घंटा थी कितना चला होगा चार घंटा हमको पैदल पूछ रहा था पैदल का चाल कितना चल रहा है सोलह कैसे स्पीड से और तीन घंटा चलाए थे कितना चलेगा अड़तालीस किलोमीटर क्लियर है क्या हाई एलिगेशन से बनेगा ठीक है बढ़े आगे हाँ साइकिल से चलता तो चौबीस चलता और पैदल चल रहा है तो अड़तालीस चल रहा है ठीक है आगे बढ़े चल देखिएगा आप देखिए इसमें क्या चला देखिए एलिगेशन का इसमें थ्योरी क्या होता है हम समय सिलेबस लिखा है उसमें कि पृथकरण होता है इसका मतलब मतलब कि अलग अलग तो इसका इस्तेमाल आप दो पॉइंट्स जब तक क्लियर ना हो तब तक आप इसका इस्तेमाल ना करें ठीक है देखिए अगर ये क्या है पहला पॉइंट दिया हुआ है दूसरा दिया हुआ है आज दोनों को मिला के दिया हुआ है तब तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं पॉइंट नंबर पहला कि पहला पॉइंट हो और दूसरा हो और दोनों को मिला करके दिया हुआ हो तब एलिगेशन लगा सकते दूसरा चीज जो दोनों को मिला दिया हुआ हो एक उसे छोटा होना चाहिए और का से बड़ा होना चाहिए क्लियर यहां तक अच्छा यहां जो चाल का अगर एलिगेशन लगाइएगा तो दूरी बटा क्या होता है समय होता है तो चाल का अगर एलिगेशन सारा चीज अगर चाल दिया हुआ है अगर एलिगेशन लगाइएगा तो आपको समय का रेशियो निकाल वो देगा निकाल के देता है जैसे मान के चलते हैं क्या एक था पैदल दूसरा क्या है साइकिल से ठीक है पैदल कितना चल रहा है सोलह किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से कितना चल रहा है आठ किलोमीटर प्रति घंटा क्लियर यहां तक अच्छा टोटल दूरी हमारे पास कितना है अस्सी और कितना घंटा में तय कर रहा है सात घंटा में तो क्या हम अस्सी बटा सात कर सकते हैं कि दोनों को मिला के हुआ क्या बोले पहला पॉइंट दिया हुआ दूसरा पॉइंट दिया हुआ दोनों को मिला के दिया हुआ क्योंकि इसमें अस्सी बटा जो सात चाल करेंगे साइकिल वाला भी मिल जाएगा और पैदल वाला भी मिल जाएगा क्लियर यहाँ तक अब देखिए इसको तो घटाने में थोड़ा हो जाएगा मुश्किल तब क्या करते हैं कि जो भी नीचे ये सात है जो भी नीचे फ्रैक्शन में रहेगा उसको से कर लेंगे गुना अगर गुना कर लेते हैं तो सात से गुना कर लेते हैं कितना होगा सोल से कितना होगा ठीक है और ही कितना हो जाएगा और ही कितना होगा अस्सी अब इसको आप घटा लीजिए अस्सी में से छप्पन जाए कितना बचेगा चौबीस और ये कितना बचेगा आपको आ जाएगा बत्तीस ठीक है अब देखिएगा आठती चौबीस आठ चौके बत्तीस ये जो रेशियो जो निकाल के दिया किसका दिया समय का तो तीन रेशियो चार में सात का वैल्यू आपको कितना दिया घंटा समय था ना क्लियर है तो एक यूनिट का वैल्यू एक घंटा तो ये हो गया तीन घंटा और ये कितना हो गया चार घंटा हमको निकालना था क्या चीज पैदल वाला पैदल का चाल कितना है सोलह तीन घंटा समय निकला कितना निकल गया सोलह या अड़तालीस थोड़ा मुश्किल लगा है ना समय आ रही है क्या हाँ साइकिल में चार सुना करेंगे तार चौके बत्तीस हो जाए क्या यहाँ था नहीं है आठ के स्पीड था चार घंटे लगा था बत्तीस आठ चौके चौबीस थोड़े होता है थोड़ा देखिए स्लिप हो जाता है कभी कभी ठीक है तो उसको आप ध्यान में रखिएगा इसको हम फिर से एक बार समझा लेते हैं ठीक है सोलह का था आठ का था टोटल कितना निकालेंगे अस्सी वटा सात जो भी फ्रैक्शन में रहेगा उससे कर लेंगे गुना ये होगा सोलह सतह कितना होगा बलोतर से गारेगा पर दो होता है ये आठ सतह छप्पन ये कितना आ जाएगा इसमें सात से गुना होगा तो होगा अस्सी ये घटाएंगे अस्सी में से छप्पन जाएगा तो चौबीस हो जाएगा एक सौ बारह में से अगर अस्सी जाएगा तो बत्तीस हो जाएगा ये चार होगा ये कितना होगा तीन होगा इस समय का रेशियो निकाल के देगा आपको ठीक है अभी कितना आएगा तो तीन घंटा आ गया ये चार घंटा आ गया ये कितना था सोलह के था तीन घंटा था कितना आ जाएगा अड़तालीस हो जाएगा ठीक है ये आपका भी ये भी चीजे यूज होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए अच्छा हाँ इसको उतारिए आप लोग ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए चलिए इसको बनाइएगा चलिए देखिएगा आगे इसको देखिए हम दोनों मेथड से बता देते हैं ठीक है पचहत्तर किलोमीटर है कितना घंटा ले रहा है समय सात घंटा ले रहा है समय ठीक है कुछ दूरी बारह के स्पीड से बाकी दूरी दस के स्पीड से चलता है यानी कुछ क्या है बारह के स्पीड से चल रहा है और कुछ चल रहा है दस के स्पीड से इसको मान लेते हैं टी घंटा चलेगा तो सात माइनस टी हो जाएगा ठीक है अब देखिए इसका दूरी कितना हो जाएगा बारह टी और इसका कितना होगा सात माइनस टी इंटू टेन हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा पचहत्तर क्लियर है अब देखिए इसको बारह टी हो गया कितना होगा प्लस सत्तर माइनस होगा सात टी हाँ दस टी बराबर हो जाएगा पचहत्तर ये घटे कितना आएगा टू टी आएगा इधर कितना आएगा पांच तो टी बराबर कितना आएगा पांच बटा दो आने अढ़ाई आ जाएगा तो अगर मान लीजिए कि अढ़ाई घंटा है कितना बचेगा साढ़े चार होगा हमसे पूछा क्या जा रहा है बारह के स्पीड से कितना चला है तो बारह गुना कितना हो जाएगा अढ़ाई हो जाएगा तो बारह गुना चौबीस और छह कितना होता है तीस किलोमीटर हो जाएगा आंसर इसका ठीक है एलिगेशन से भी बना सकते हैं दूसरा वाला बताएं क्या आई से थोड़े हो जाएगा आएगा तो सेम ही चलिए इसको बनाइए हम बताते हैं उसको ठीक है मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन से भागिएगा नहीं कैलकुलेशन से भागे तो गए चलिए आगे ठीक है चलिए एलिगेशन से बनना चाहिए है ना क्या वो पड़ी थोड़ा सा में कैसे हो जाएगा वहाँ पे आप देखिए बता रहे हैं आराम से ठीक चलिए यहीं पे बनाते हैं तो यहीं पे बना देते हैं ठीक है हो जाएगा इतना में ठीक है अब देखिए कितना दिया हुआ है बारह के स्पीड से है और एक दस के स्पीड से है ठीक है और बोल रहा है कितना पचहत्तर किलोमीटर चल रहा है सात घंटा में चल रहा है तो हम लिख सकते हैं पचहत्तर बटा हो जाएगा सात कोई दिक्कत अब देखिए इसको कर लेंगे हम सात से गुना कितना गया ये बरसते चौरासी आ जाएगा ये आएगा सत्तर और ये हो जाएगा पचहत्तर इसका ही कितना आएगा पांच और ई कितना आ जाएगा पांच चार नौ ठीक है क्लियर है यहाँ पे आ गया होगा आप लोग का लग रहा कि फ्रैक्शन में आप सोचिए यहाँ पे हम बता रहे हैं आप लोग को ठीक है तो पांच रेशो कितना में आया नौ में आया हमको टाइमिंग किसका निकालना है बारह वाला का निकालना पांच मिनट का हमको समय निकालना है तो पांच नौ पाँच कितना होता है चौदह चौदह यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है आपको सात घंटा दिया हुआ है दिया हुआ नहीं दिया हुआ है तो एक यूनिट का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा सात बटा चौदह इसलिए आपको चाहिए पांच यूनिट का तो सात बटा चौदह अगुना हो जाएगा पांच ये आएगा दो पांच बटा दो का मतलब अढ़ाई घंटा हो जाएगा इसका समय निकल चुका है बारह के स्पीड से है अढ़ाई घंटा समय है तो दूरी कितना हो जाएगा दूरी बराबर बारह गुना पांच बटा दो यानी तीस किलोमीटर कहाँ ज्यादा आ गया क्या यूनिट का मतलब हम तो बताए हैं कि ये जो निकल के आएगा ये समय का रेशियो निकल के आएगा ठीक है तो ये पांच यूनिट इसका यानी पांच रेशियो कितना में आएगा नौ में आएगा या नहीं पांच यूनिट के हिसाब से बारह वाला स्पीड पांच यूनिट चला और ये चला नौ यूनिट तो नौ पांच चौदह यूनिट का हमको वैल्यू है नि? एक समान मान लीजिए या बाय मान लीजिए रेशियो में ठीक है चौदह यूनिट बराबर कितना दिया होता हमको टोटल समय सात घंटा तो एक यूनिट बराबर सात बटा चौदह इसलिए पांच बराबर अढ़ाई हो जाएगा अढ़ाई गुना बारह हो गया कितना तीस हो जाएगा क्लियर है कोई दिक्कत आगे बढ़ा जाए चले ठीक है आगे देखिएगा चलिए इसको बनाइए चलिए क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ले लिए थे ताकि आप लोग को भी प्रैक्टिस हो सके ठीक है इसको दोनों मेथड से आप लोग बना के देखिएगा ठीक है लेकिन ज़्यादातर आप लोग का आसान जो रहेगा ना ओवर एलिगेशन मेथड से काफ़ी आसान होगा ठीक है भले ही अभी पहली बार मिल रहा होगा तो थोड़ा तकलीफ दे रहा होगा लेकिन आसान ज़्यादा वही रहता है टिव ज्यादा हो गया ना

चलिए देखिएगा दोनों तरीका से बताया जाए देखिए पहले जो भी आसान है उसे पहले हम क्लियर कर देते हैं ठीक है एक क्या है बहत्तर के स्पीड से है जो बस से चल रहा है और एक क्या है ट्रेन से चल रहा है कितना 160 के स्पीड से टोटल दूरी कितना दिया हुआ है 2000 2000 हजार बटा कितना कर सकते हैं अठारह काटेंगे ये होगा नौ ये काट लेंगे कितना होगा एक हजार ठीक है अब इसको हम नौ से गुना कर सकते हैं ठीक है नौ से इसमें गुना करेंगे नौ सत कितना होता है तिरसठ छह सौ तीस और अठारह कितना होगा छह सौ अड़तालीस इसको कितना होगा सोलहवा चौवालस एक सौ चौवालीस यानी चौदह सौ कितना हो जाएगा चालीस और ये कितना हो जाएगा एक हजार ठीक है इसको करेंगे कितना आएगा चार सौ चालीस और इसको घटा लें कितना आएगा ये तीन सौ बावन तीन सौ हो गया बावन कटेगा? बाईस जीरो तो बाईस से इसको काट ग्यारह से काट लीजिए दस मरतबे यानी इगारह चौ चौलीस ग्यारह तेतीस ग्यारह दो कितना होगा बाईस ठीक है ये कितना होगा आठ बचे चालीस हो जाएगा आठ चौके बत्तीस पांच और चार नौ यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है अठारह तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा दो आपसे पूछा क्या जा रहा है बस के द्वारा तय किया गया ना पांच यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है तो पांच यूनिट का वैल्यू कितना होगा दो गुना पांच कितना हो जाएगा दस घंटा अब दस घंटा है चालीस का कितना है बहत्तर तो चाल आपको दिया हुआ है बहत्तर तो आपको दूरी निकालना है बहत्तर गुना दस बराबर कितना होगा सात सौ बीस को दिक्कत कितने लोगों से ये बना था क्वेश्चन और बाकी लोगों को मुश्किल लगा थोड़ा कि कैलकुलेशन से कैलकुलेशन ज़्यादा था बेसिक मेथड से भी बता दें क्या ये नौ यूनिट बराबर ये आपको निकला पांच रेशियो चार ठीक है तो पांच एक्स भी मान सकते हैं इसको चार एक्स भी मान सकते हैं ठीक है तो अगर माने कितना नौ एक्स मानिएगा तो नौ एक्स बराबर कितना होगा अठारह क्योंकि नौ एक्स यहाँ पे टाइम है और टाइम वहां तो टोटल टो कितना दिया हुआ अठारह दिया हुआ ठीक है एक बराबर कितना एक यूनिट का कितना आ जाएगा दो हमको निकालना था पांच यूनिट का कितना आ गया दस घंटा ठीक है क्योंकि हमको इसी का निकालना था कि कितना देरी चला है का से चला दस घंटा चला कितना चलेगा सात सौ बीस किलोमीटर क्लियर है क्या बेसिक मेथड से भी चाहिए देखिए उसमें करेंगे तो सिर्फ टाइम आपका जाएगा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा चाहे आप कीजिए हम कीजिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसमें ठीक है बढ़िया क्या क्या पर हाँ ट्रेन के पूछता तो चार हम निकालते हैं आठ घंटा हो जाता जितना एक सौ साठ बटा एक सौ साठ गुना आठ कर लेते ठीक है ठीक है चलिए इसको बनाइएगा चलिए ये आसान है ये बनना चाहिए सभी से यह तीन पूर्णांक बटा कितना है सात है और ये दो पूर्णांक छ इसको ऐसे लिखिएगा और ये जो है क्या है चार आता है चलिए इसको देखिएगा आपको कितना दिया हुआ आठ किलोमीटर दिया हुआ है कितना घंटा का दो घंटा का समय दिया हुआ है कुछ है जो बोलता है कि तीन क्या स्पीड से चलता है कुछ है जो दस क्या स्पीड से तीन क्या स्पीड वाला पैदल है और एक क्या है साइकिल से है क्लियर है अब इसको क्या करेगा ये टोटल कितना है आठ बटा कितना हो जाएगा दो कितना आएगा ये चार मैंने तीन है दस है ये हो गया चार ठीक है ये कितना आ जाएगा छ और ये कितना आ जाएगा एक टोटल समय कितना दिया हुआ है दो घंटा है समय है दो घंटा तो छ कितना होगा सात मिनट का वैल्यू कितना दिया हुआ है दो घंटा है तो एक का वैल्यू कितना होगा दो बटा सात आपको निकालना किसका है साइकिल द्वारा तो साइकिल का मतलब कितना है एक का निकालना था तो आपको कितना आ गया दो बटा सात घंटा आ गया क्लियर है अब आपको चाल दिया हुआ है समय दिया हुआ है तो दूरी नहीं निकलेगा तो दूरी बराबर कितना आ जाएगा दस गुना दो बटा सात यानी कितना आएगा बीस बटा सात आएगा पानी, दो पूर्णांक कितना हो जाएगा छह बटा सात दो पूर्णांक बटा सात आ जाएगा यानी चौथा नंबर ऑप्शन ठीक है क्लियर है बन गया था चलिए अब आगे चलते हैं हो जाए चलिए इसको देखिएगा ये तो लोग तीन सौ चौरासी रहा है नहीं बना चार सौ कितने लोग का आ रहा है आंसर कि नहीं का नहीं तीन सौ चौरासी अब आगे लोग आए नहीं आंसर ये दूसरा या तीसरा टाइप जो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन हम बताए हैं है, है? वही क्वेश्चन है पहले में ही आए ठीक है सेम क्वेश्चन है क्या सेम क्वेश्चन नहीं ना है चलिए देखिए उसी तरह का है टू एक्स बनाए थे इसमें आधा था, था, कितना चल रहा है चालीस के स्पीड से दूसरा चल रहा है साठ के स्पीड से एक्स बटा चालीस प्लस एक्स बटा कितना होगा साठ बराबर कितना दे रहा है आठ घंटा एक सौ बीस एल्सियम थ्री एक्स प्लस टू एक्स कितना होगा आठ क्या निकल जाएगा टोटल पांच एक बराबर कितना आठ गुना एक सौ बीस तो बराबर आठ गुना एक सौ बीस बटा कितना आ जाएगा पांच चौबीस पचे बीसा से होगा हमको निकालना कितना टू एक्स तो कितना होगा दो गुना आठ गुना चौबीस आप देखिए एक चीज बता रहे हैं एक तो तरीका इसको गुना कर लीजिएगा ठीक है दूसरा तरीका क्या है कि इसको यूनिट डिजिट से पकड़ के चल दीजिएगा ठीक है कितना होगा आठ गुना सोलह गुना कितना होगा चौबीस ठीक है छ और चार में गुना होगा तो कितना आएगा चार आएगा अंतिम में सोलह में अगर चार चौबीस से गुना कीजिएगा या छह गुना चार ही तो पहले कीजिएगा है छह गुना चार कितना आएगा चार है चौबीस आएगा चौबीस का इनडीट कितना है चार है चार आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है इसलिए आंसर यही होगा ठीक है क्या एलसीएम का क्या करना है चालीस गुना साठ भी कर लीजिएगा वो भी हो जाए चौबीस दो सौ चालीस ताका उससे आंसर नहीं आएगा, आएगा. एक दम आएगा एकदम आएगा आंसर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा कहीं देख लीजिए ठीक है क्या अच्छा अच्छा इसमें आगे बढ़े जाए ऐ दे दें चलिए इसको खबर हो गया क्या करना है इसको ऐसे लिख सकते हैं दो गुना चार गुना पाँच चार जोड़ पांच का गुना कितना है नौ ठीक है नौ से नौ खत्म बी दुना चालीस कितने लोग की बात समझ में आया क्लियर है बाकी लोग नहीं आएगा बोलिएगा ठीक है कर सकते है ना क्योंकि अगर इसको हटाते तो सिंगल एक्स का मान निकलता दो से गुना कर लिए ठीक है क्लियर है क्लियर चलिए आगे बढ़े चले इसको बनाइए सेम टू सेम वही है अच्छा सेम नहीं है अलग है थोड़ा ठीक है ये क्या एलिगेशन के लिए क्या बताए कि दो प्वाइंट्स होना चाहिए एक मान लेते हैं कि पहला मिला करके है पहला दिया हुआ है दूसरा दिया हुआ है दोनों को मिला करके कहाँ दिया हुआ है नहीं ना है तब नहीं आप लगा सकते हैं ठीक है क्लियर है हाँ रहता तो दम लगा सकते थे आप

कितना आएगा तीन किलोमीटर आएगा अच्छा देखिए इसमें तीन गो है ठीक ना बोल रहा है क्या एक व्यक्ति तीन समान दूरी को ठीक है तीनों क्या है समान दूरी है मतलब क्या है यह भी एक दूरी यह भी एक दूरी यह भी एक है, ठीक है और कहता है कि तीन किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है ये चार के स्पीड से चलता है और ये पांच के स्पीड से चलता है और टोटल समय कितना लगा है सैतालीस मिनट लगा है क्लियर है अब देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स बटा तीन एक्स बटा चार एक्स बटा पांच बराबर कितना है सैतालीस सैतालीस बटा साठ कर लें क्योंकि आवर में कन्वर्ट कर लेंगे ठीक है कितना हो गया इसके सीएम साठ हो जाएगा बीस एक्स पंद्रह एक्स बारह एक्स ठीक है बराबर कितना होगा सैतालीस बटा कितना होगा साठ अब देखिए ए भी जोड़िएगा तो सैतालीस ही आएगा बीस है पंद्रह पैंतीस बारह कितना होगा सैतालीस एक्स तो सैतालीस एक्स बटा साठ बराबर सैतालीस बटा साठ साठ से साठ खत्म सैतालीस से यानी एक सौ कितना आ गया वन दूरी आपको कितना है यहां से यहां तक है थ्री एक्स है ना तो थ्री एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा तीन गुना एक बराबर कितना होगा तीन ठीक है क्लियर है आप सोचिए कि सर इसका भी कोई ट्रिक तो नहीं कॉन्सेप्ट रखिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसका ट्रिक बनाने के चक्कर में पूरा गड़बड़ हो जाएगा बनेगा हा? बनेगा बिल्कुल बनेगा क्या देखिए इसमें तीन गो है दो गो रहता तो उसमें आप बना सकते थे तीन गो है तीन गो के लिए अलग आपको क्रिएट करना पड़ेगा आपको हालांकि ऐसा नहीं होता है ठीक ना ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेगा अगर आप देखिए अब ऐसा चार गो अगर आ जाता कि चार समान दूरी के लिए क्या होगा ठीक है तो बनाना पड़ता है उसके लिए ठीक है दो जो भी इसमें आपको ट्रिक मिलेगा मैक्सिमम क्वेश्चन अगर उसी टाइप के आ रहा है तो उसका एक आपको जनरल फार्मूला निकाल के दे दिया जाता है बात समझ में है लेकिन जिसका क्वेश्चन कम आ रहा है तो उसके लिए क्यों जनरल फार्मूला निकाल को देगा अगर निकालेगा वैसे तो हर एक चीज का जनरल फार्मूला निकल जाएगा में रहे? तो जिसका क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है उसका जनरल फार्मूला आपको जनरल फॉर्मूला के रूप में ट्रिक मिलेगा आपको और जो कम आ रहा है क्वेश्चन आप बेसिक मेथड से सोका कीजिए सोल्व कीजिए बात आई चलिए आगे इसको देखिएगा इसको बनाइए अब देखिए औसत गति बराबर क्या होता है औसत गति जो होगा इसको बोलते हैं कुल दूरी बटा कुल समय ठीक है कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा कुल समय हो जाएगा अब देखिए इसको हम एगो बना देते हैं आप लोग ठीक है फिर आप उसके बाद उसको आप लोग बनाइएगा बन जाएगा तो ठीक है कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाए कितना आएगा देखिए क्वेश्चन काफी आसान है है ठीक है देखियेगा पच्चीस सौ किलोमीटर है यह 500 सौ किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रहा है अगला है बारह सौ किलोमीटर चार सौ किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रहा है और अगला है कितना 500 सौ किलोमीटर यह चल रहा है अढ़ाई सौ किलोमीटर प्रति घंटा गति से क्लियर है अब देखिए यह दूरी दिया हुआ है चाल दिया होता है समय निकलेगा क्या है ये दूरी है और ये क्या है चाल है हमको निकालना है समय तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल 2500 सौ बटा पांच सौ कितना आएगा पांच और इसको कितना करेंगे बारह सौ बटा चार सौ कितना आएगा तीन और ये कितना आ जाएगा तो कुल समय कितना हो गया आपको दस घंटा हो गया अच्छा कुल दूरी कितना हो जाएगा कुल दूरी बराबर पच्चीस सौ और बारह सौ हो जाएगा सैंतीस सौ सैंतीस कितना होगा बयालीस सौ ठीक है अब कुल दूरी निकल चुका है कुल समय निकल चुका है आप औसत चाल निकाल सकते हैं बयालीस सौ बेटा कितना हो जाएगा दस बराबर कितना होगा चार सौ बीस किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है क्लियर है चलिए ठीक हो गया चार क्वेश्चन आप लोगों को बचा हुआ है उसको हम लोग आप लोगों को देते हैं बनाने के लिए ठीक है हो गया आज आप लोग का जीएस क्लास है ना नहीं पता है चलिए देखिएगा कि चार को बचा हुआ है बता दे चलिए बना लीजिए ठीक है ए और भी एक ही समय में क्रमशः चालीस किलोमीटर अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है ठीक है देखिएगा ये क्वेश्चन का मतलब क्या क्या अच्छा ठीक है छोड़ दें आ? देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ए और बी है ये चालीस किलोमीटर प्रति घंटा है ये पचास किलोमीटर प्रति घंटा है ठीक है ठीक है और कहता है कि ए को बी से पंद्रह मिनट अधिक समय लगता है अधिक समय लगता है ठीक है क्वेश्चन है है तो आपको निकाला जा रहा है कि कुल दूरी कितनी होगी ठीक है आपको क्या हो रहा है कि ए का चाल आपको दिया हुआ चालीस बी का दिया हुआ पचास ए को बी से पंद्रह मिनट अधिक समय लगता है ठीक है तो आपको निकाला जा रहा है कि कुल दूरी कितना होगा ठीक है अब देखिए इसके लिए बता रहे हैं क्या है देखिए दूरी सबके लिए बराबर होगा एक समान के चलते ठीक है yeah. तो ए का कितना दे चल रहा है चालीस और बी का चल रहा है कितना पचास ठीक है क्लियर है अब देखिए तो एक सौ बटा कितना हो जाएगा चालीस और ये कितना होगा एक सौ बटा पचास एकरा से क्या ले रहा है पंद्रह मिनट ज्यादा समय ले रहा है ठीक है तो इसमें अगर हम पंद्रह मिनट जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत बराबर हो जाएगा नहीं होगा ठीक है इसको देखिए अगर हम अगला क्लास में बताते इसको और थोड़ा विस्तार से तोड़ते हमको लगता है छोड़ देते हैं अगला क्लास तक के लिए ठीक है क्योंकि इसको दो मेथड या तीन मेथड जितना भी हो सकता है सिंपल उसको हम बता देंगे ठीक है क्योंकि इसमें अभी बताएंगे तो सिर्फ इसको लेके चलेंगे टाइम तो अगला तो भी आपको क्लास है ठीक है हाँ क्लास है आप लोग का चले तीन क्वेश्चन आप लोग को रह गया ठीक है इसको हम आप लोग को भेज देते हैं ठीक है थीका? चलिए ठीक है आज भर इतना ही रखते हैं ठीक है